किसी जमाने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना कोई कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। ऐसा सोच वह राजधानी चला गया और जाते ही पूरे नगर का चक्कर लगाया। उसने तय किया कि राजा के महल से वह अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी भी लगी थी जो पूरे दिन के हर घंटे बजती थी। इसी घड़ी की मदद से चोर ने राजा के महल में घुसने की तरकीब निकाली। उसने लोहे की कुछ कीले ली और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक कील ठोका गया। इस तरह बिना चोर किए उसने दीवार में 12 कीले लगा दी। फिर उन्हें पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद उसने महल में से बहुत से हीरे चुरा लिए। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो
राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए। यह भी कहा गया कि अगर कोई भी रात को घूमता हुआ पाया गया तो उसे चोर समझकर पकड़ लिया जाएगा। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर मौजूद था। उसे सारी योजना पता चल गई। उसे यह भी मालूम हो गया कि वह कौन से 26 सिपाही हैं जिन्हें गश्त के लिए चुना गया है। तभी उसने साधु का रूप धारण किया और उन सभी सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें हर एक महिला बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। उसने एक एक सभी औरतों से कहा कि उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन उसे अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें दबोच लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। सभी औरतों ने ऐसा ही किया और फल यह हुआ कि सिपाही जल गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।